कि आपके बीच में एक ऐसा लीडर है जो आपके इशारे पे हर एक जगह आपके लिए पहुंचता है। मेरे बड़े भाई सुरजन वीर जी को भी जब भी हम कभी जम्मू से कॉल करते हैं वो हमेशा हर एक जगह पे वो पहुंच जाते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप लोग गवर्नर के पास कौन ले जा सकता है, उस असेंबली में कौन पहुंच सकता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जब 2014 के इलेक्शन हुई उससे पहले मैं 2003 में रिटायर हुआ था और मैं हमेशा सियासत में नहीं आता था लेकिन सियासी लोगों की बातें मैं जरूर सुनता है। हमारे स्टेट के अंदर असेंबली के अंदर क्या बातें हो रही है, पुंछ के लिए क्या हो रही है, रजौरी के लिए क्या हो रही है, जम्मू के लिए क्या हो रही है, किश्तवाड़, भद्रवाह, बारामूला, उड़ी, ग्रेट, पूरे लेह लद्दाख, तो ये मैं सुनता रहता था कि वहां पर क्या बोलते क्या है यार एक दूसरे के, पुंछ के MLA को बोलते हुए नहीं मैंने नहीं सुना। और 2014 के बाद जब शाह महमूद तांतरे साहब असेंबली में गए तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को ये पता चला कि पुंछ के बीच में भी कोई लीडर है, पुंछ के अवाम की भी कोई नुमाइंदगी कर सकता है। अगर आपको ना हो तो मैं आज भी आपको वो क्लिप सुना सकता हूँ जो हमारे MLA साहब ने, शाह साहब ने जो हमारी असेंबली के अंदर बोले। आज भी चला सकती है। आज यहाँ पे आकर मुझे खुशी हुई। मैं अगली मीटिंग में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी अपनी बहू बेटियों को भी साथ में लाओ। आज वो जमाना नहीं रहा कि हम बहू बेटियों को घर में रखें। आज मेरी बहन डॉक्टर भी है, आज मेरी बहन DC भी है, आज मेरी बहन क्या नाम है, हर एक पौधे पे है जहाँ मेरी बहन को बहुत इज्जत मान सम्मान दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हर एक महिला को इतना इज्जत मान सम्मान दिया जाता है। पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है जब एक लेडी आगे आएगी तो समाज का एक राइट वे में हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आज एक शॉर्ट नोटिस में आज आप लोगों ने प्रूव करके बताया 10 मिनट के अंदर तांते साहब ने इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मैं शुक्रिया अदा करूंगी और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी जो आप लोग हमेशा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नीतियों के साथ। जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जी, मैं कह रही हूँ ऐसा लीडर आपको कभी नहीं मिलेगा जो लोगों के बीच में रहता है और लोगों के हित की बात करता है। वो हमेशा सच की राजनीति करते हैं। आपने हमारे मैनिफेस्टो में भी देखा होगा पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो प्रॉब्लम थी उन्होंने हमारे लिए बिजली फ्री करने का वादा किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारी जो बच्चियों की शादियां होनी है, जब हमारी BPL बच्चियों की शादी होनी है उसमें 1-1 लाख रुपए देने का उन्होंने क्या किया है, वादा किया है, ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी की सोच है। पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है जो यूथ है, आज मेरा भाई यहाँ पे यूथ काफी बैठे हुए हैं, पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है यूथ को हम सिर्फ जिंदाबाद और मुर्देबाद के नारे के लिए नहीं रखेंगे, यूथ को हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, यूथ को हम स्किल की तरफ मोटिवेट करेंगे। जिस दिन हमारा बेटा हमारा भाई एक राइट वे में जाएगा हमारा समाज तो आगे बढ़ेगा। इन पार्टियों ने हमारे बच्चों को सिर्फ जिंदाबाद और मुर्देबाद के नारे के लिए रखा है मगर पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी ने यह माना है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए नहीं, हम बच्चों को अपने साथ लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे मैंने देखा है पूंछ में भी कुछ ड्रग्स की तरफ जो लोग ज्यादा मोटिवेट हो रहे। मैं गुजारिश करना चाहूंगी तांत्रिक साहब जी को हम इसमें भी हम काम करेंगे जो हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ मोटिवेट हो गए, हमारे बच्चे हमारे स्किल की तरफ मोटिवेट हो, हमारे बच्चों को ऐसे रोजगार मिल सके कि हमारा बच्चा अपना घर चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा कर, ये देखा कि एक लीडर लोगों के बीच में बैठा है, इसके लिए आप लोग अपनी पार्टी प्रोविंस प्रोविजन प्रेसिडेंट वुमेन्स भी बताएगी। आज जो मीटिंग करवाई गई है इसके बारे में बताएंगे। आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है ये हमारे जो शाह महमूद तांत्रे जी ने यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, यहाँ पे 100 के हिसाब से लोग यहाँ पे आए, बहुत खुशी हुई लोगों के बीच में ये जज्बा देखकर अपनी पार्टी के लिए कि आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है। आज जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जो यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं जफर मनास जी, उनका हम उनके लिए लोगों के दिल में जो प्यार देखा और यहाँ पे जो तांत्रे साहब के लिए लोगों का प्यार देखा उसको देखकर ये हमें महसूस हुआ कि ये सीट हमारी है और आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है। कर्म से रब की मेहरबानियों से इलेक्शन की कंपेन का आगाज पुंछ ब्लॉक की मीटिंग यहाँ पे हमारे जो पुंछ ब्लॉक के हमारे अहदेदारान थे लीडर्स से उनको और पार्टी के जो बाकी अहदेदारान हैं उनकी मौजूदगी में आज हमने इसका आगाज किया। हम ये जो इलेक्शन आ रहा है पार्लियामेंट का उस अलग से हमारा आगाज हुआ है आज पुंछ ब्लॉक से। आइंदा आने वाले दिनों में ब्लॉक वाइज हम मीटिंग्स करेंगे, ब्लॉक मंडी लोन वगैरह
मुझे उम्मीद है कि जो शुक्रोश आपने अवाम में देखा ये बड़ा हमारे लिए हौसला अफजा है। कितनी सितम जरीफी है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कितनी सितम जरीफी है कि कितना झूठ बोला जा रहा है, कितना जम्मू कश्मीर के अवाम को 1947 से लेकर आज तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, उनकी शादी का फायदा उठाया जाता रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी की गवर्नमेंट में 5 साल वजीर खारजा रहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उनकी किसी पार्ट वायरल है सोशल मीडिया पे, तो वो कह रहे हैं कि अब दोबारा मुझे मौका मिला तो दोबारा मैं मुझे फख्र होगा कि दोबारा इसका हिस्सा बनूं। और अंदर से ये आपको पता होगा, इस 2 महीने पहले रविंद्र रैना साहब ने इन्होंने कहा था कि एक अंदर से बात हुई है कि ये मिलकर चलेंगे। ये रात के अंधेरे पे बातें होती है और आवाम को दिन को कैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है। पीडीपी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि वो उन्होंने 2014 में जो स्लोगन दिया था वो ये था, आप देखें उस वक्त चूंकि हमें पुंछ में तो हम तो उसका हिस्सा नहीं रहे, चूंकि हमारे अब कंपेन का अहदा दिखा, लेकिन जो कश्मीर में पीडीपी उस वक्त आवाम से कह रही थी कि अगर आपने बीजेपी से बचना है तो पीडीपी को वोट दो, और फिर जब हुकूमत बनी तो बीजेपी की ही बीटी बन गई हुकूमत की। और सितम शरीफी ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 2018 के, जो मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, 2018 असेंबली में कहा था कि अगर कोई जितना काबिल फख्र काम सईद अफताब बुखारी साहब ने किया है, मेरा दिल करता मैं उसको सलूट करूं, और मैं ये चाहूंगा कि सारे मिनिस्टर को फॉलो करें, उनकी क्यादत, उनकी इंसानियत, उनकी सबको लेकर चलने की क्षमता, तो मैं सलूट करता हूं। 2018 में ही गवर्नर रूल के बाद यही उमर अब्दुल्ला साहब थे जो आजाद साहब के साथ, महबूब जी के साथ और गुलाम आजाद साहब के साथ मिलकर गवर्नर को लेटर भेजा था कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाए जा रहे हैं और उसकी क्यादत सईद अफताब बुखारी साहब करेंगे। और आज वही लोग जो अंदर से कुछ बातें करते हैं बाहर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अवाम में कुल से ये कहूँगा कि हमारी पहली बार 1947 के बाद ये पहला मौका है कि पुंछ खिता का एक जो एक इज्जतदार फर्द है, एक हरदिल अजीज शख्सियत है जफर खान मनाज साहब, जो तहसील सुरनकोट गाँव डोगरा के रहने वाले हैं और बाद वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ भी घर उठाए शुपया में, तो ये पहली बार हो 1947 के बाद कि पुंछ का एक फर्द है जिसको मैंडेट मिला है, तो उनकी कामयाबी जो